So, can you see this screen, everybody? This Excel sheet, is it visible? Yes. All right. So these are random numbers that I have filled, Anna. So when I say dirtying your hands, what I want all of you guys to do. Now, let's say these are the marks of any 20 students who appeared for CAT, and this is their scores in three sections. All right, verbal ability, DILR, and quantitative aptitude. Now, so is set me you need to find out. Now, what is the task? The task is to find out the overall average score. Overall. Find out the overall average score for a paper at B Factory. तो B Factory के बच्चों का किसी भी एक पेपर में कितना ओवरऑल एवरेज आया, ठीक है? तो देर आर 20 एंट्रीज, 20 स्टूडेंट्स एंड 3 पेपर्स, तो टोटल 60 सब्जेक्ट्स का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है? तो सब लोग अपने कॉपी में जल्दी से शुरू हो जाओ, तो फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दीज 60 स्कोर्स. हैंड्स डर्टी करना पड़ेगा, इट्स एन एक्टिविटी. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू डू दिस. इमीडिएटली स्टार्ट. नो बडी विल यूज अ कैलकुलेटर. नो कैलकुलेटर प्लीज, अपने से करना है. स्टार्ट. वंस यू आर डन, राइट योर आंसर ऑन दी चैट. ओवरऑल एवरेज निकालना है 60 पेपर्स का. Yes, for those who have just joined, this is a very raw exercise. You have to there are 60 subject marks which are displayed on the screen. You have to find out the overall average of these 60 without using a calculator. Just find out the overall average. Achal, is this clear? Okay, you do not have to use a calculator. Keep that in mind. Whoever gets the answer, write it down on chat to everyone.
विभू स्लाइटली कहीं पर तो गलती हो गया है, वेरी क्लोज, थोड़ा गड़बड़ है। अरिजीत वेरी क्लोज अगेन, वेरी क्लोज, स्लाइट एरर है, बट गुड। विभू दे हैव गॉट आंसर्स। शिवम अगेन वेरी क्लोज, थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पर, प्लस माइनस एक दो मार्क्स हो जा रहा है। अगेन शिवम वेरी क्लोज, ऋषि हैज गॉट इट, चलो वेल डन, अगेन गॉट इट, वेरी गुड। तो ऑल राइट, तो प्रोसेस सब लोग समझ गया ना, एवरेज का फंडा, ऐश्वर्या ऑल्सो गॉट इट, वेरी गुड, तो सबका आ रहा है अब, है ना। तो पॉइंट क्या है कि देखो एवरेज का फॉर्मूला में तो कुछ हाई फाई है नहीं, है ना। एवरेज इज वेरी सिंपल, इट इज द सम ऑफ वैल्यूज बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट, दैट इज वॉट एवरेज इज, है ना। बट यू नो आज टुडे इन द मॉर्निंग आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड मतलब आईआईएम के कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, वी वर डिस्कसिंग आर प्रिपरेशन डेज। तो वन थिंग विच वी ऑल फेल्ट वॉज इन कॉमन दैट वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, मतलब हम लोग नंबर्स के साथ बहुत खेलते थे, है ना। तो जैसे आई रिमेंबर आई यूज टू हैव अ स्लेट, एंड मैं स्लेट पे ना 3 4 5 नंबर डेली ऐड करता था, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो नंबर्स के साथ खेलना बहुत जरूरी हो जाता है। ये मैंने देखा जितने बच्चे बहुत अच्छा करते हैं ना कैट में, तो यू नो सबकॉन्शियसली, खाली कॉन्सेप्ट सीखना इज नॉट गुड इनफ, आपको यू नीड टू ऑल्सो बी वेरी गुड एट यू नो कॉन्फिडेंटली कैलकुलेटिंग फास्ट। सो आई वॉन्टेड यू टू स्टार्ट दिस क्लास विथ दिस काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज। नाउ लेट मी टेक यू टू, अब मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, यही फंडामेंटल कोर है एवरेजेस के टॉपिक का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, है ना। तो अब हम लोगों को शकुंतला देवी नहीं बनना है ना, उसके लिए बहुत मेहनत और फोकस चाहिए, बट हम लोगों को कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है, राइट। तो जरा देखते हैं इसको मैं कैसे सॉल्व करता, एंड एक बार आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एंड एंड में बताना कितने लोगों को एकदम क्लियर हो गया, है ना। मैं जैसे इसको इस डेटा सेट को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक। लेट अस बिगिन, आर वी रेडी एवरीबडी, प्लीज रिप्लाई इन चैट, यस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सब लोग आ गए हैं, यस ओके ठीक है। तो कोई भी डेटा हो उसको सम निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए कैसे अटैक करेंगे मैं ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दो तीन तरह की चीजें करूंगा, तो तुम लोग भी समझो और इसको खुद से अप्लाई कर सकते हो, बहुत फास्ट हो गए, पता है। मतलब यू नो कई बार होता है ना कि आप जाके अटक जाते हो कि भाई मेरा 95% आ रहा है, 90% आ रहा है, अब 99 लाए तो लाए कैसे, है ना। तो स्पीड बढ़ाना बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और वही चीज हम लोग अभी यहाँ स्टार्ट में समझने वाले हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस, ठीक है। पहले एक बार सब लोग पूरा देख लो, उसके बाद बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये व्हेन आई लुक्ड एट ऑल दीज नंबर्स, व्हाट आई फेल्ट वाज यू नो दैट समवेयर इट इज क्लोज टू 90, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मार्क्स वर 90 प्लस माइनस समथिंग। सो आई टुक 90 एज एन अज्यूम्ड मीन, राइट। Once I took 90, I also see saw that all these groups of three, you know, if I put serial numbers here, you know, you will see if I take serial numbers, how many data points do we have? We have total of 20 data points, right? You know, one se lekar till 20, right? So, all right. So I thought ki jab every group is of three only, then let me find it. Three at a time, and then I will do it for all 20 times. So I will be able to get it for 60. Are you getting my point? Because what I am saying is each group is of an equal size. Each group is of size 3. Okay. So I took an overall average as 90, and then you see what I did. I will do it in my mind. Okay. Then just try to understand. I'll read it aloud. All right. You can do it together with me if you want. Hana. So dekho, Ronak, first score from 90. There is no deviation, it is zero, it is 90 only. Second one is minus 5, है ना? And the third one is plus 9. So, what do I get here? I get minus 5 and plus 9, right? Minus 5 plus 9 is equal to 4. So, if you look at these three scores, right,
1.33 भी नहीं कि नहीं कर रहा मैं, मान लो क्योंकि साइज सबका 3 ही है ना, उसको मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी इग्नोर करो, ओवरऑल देखो इसमें 4 का डेविएशन है ना। नेक्स्ट वाले को देखो, +8 +8 -2 यानी 14, नेक्स्ट +5 -1 यानी +4 +9 यानी 13, ओके 0 2 -5 यानी -3, ओके +4 +2 +3 4 + 2 6 + 3 9 -10 0 + 5 यानी -5। बहुत सिंपल चीज लग रहा होगा बट मैं बता रहा हूं, जानना और करने में अंतर होता है। तुमको हर किसी को डेटा सेट लेकर ना खुद से इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। ये चीजें ना कोई किताबों में लिखकर नहीं मिलेंगी, ना ही तुम्हें कोई बाहर से बताएगा। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें जो है ना, जो एकदम टॉपर्स होते हैं ना, वो इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। वो तरीका सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है? रोज थोड़ा थोड़ा डेटा सेट लेकर प्रैक्टिस करो। चलो एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं। +9 +9 +9 तो 27, ओके नेक्स्ट 0 + 5 -6 तो -1, सबको 90 से कंपेयर कर रहा हूँ। -10 + 9 यानी -1 और +8 यानी 7, 0 - 1 + 4 यानी 3, +4 + 10 + 2 यानी 16, 9 10 19 -5 14, 9 - 11 है -2 -3, ओके -10 + 10 0, -5 - 1 यानी -6 और +9 3, -1 और +9 विल बी 8। मैं आऊंगा श्रुति, मैं जवाब बताऊंगा, पहले -1 + 9 विल बी 8 एंड 8 + 8 16, राइट? सॉरी दिस वुड बी 16। अगेन 0 - 10 और ये -1। नाउ -3 + 2 और +3 तो 2, ओके 0 10 और -5 सो 5, और 10 9 19, 19 - 1 18। अब इफ यू सी है ना, इन सब का सम, केवल जो इनका सम है ना, अब मैं इसको भी जल्दी कैसे करूंगा, देखो मैं एक साथ इनको ऐड नहीं करूंगा। अब पहले मैं श्रुति का क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, मैंने 90 क्यों लिया, क्योंकि 90 एक बीच का वैल्यू लगा, 90 की जगह 95 भी लेते तब भी सॉल्व होता। मतलब कोई भी एक ऐसा वैल्यू ले लो, वो लग रहा है कि सारा नंबर उसी के आगे पीछे है, उस वैल्यू को हम लोग एवरेज एक मीन एज्यूम कर लेते हैं और उससे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? जब वो 85 भी लोगे तो आंसर चेंज नहीं करेगा, ठीक है? ओके अब इधर देखो, 4 + 14 18, 18 + 13 31, 31 - 3 28, 28 + 9 37, -5 32, +27 59, -1 58, +7 65, +3 68। तुम्हारे माइंड में अगर ये नंबर बड़ा हो रहा है तो 68 लिख लो। आगे देखते हैं, 16 + 14 30, 27 30, 46 45 47 52 70, यहां पर 70। तो टोटल देखो 70 + 68 कितना हो गया, 138। नाउ हाउ मेनी टोटल नंबर्स वर देयर, सिंपल टोटल नंबर्स वर 138। अब एवरेज निकालना है ना कि कितना चेंज है, नेट डेविएशन 130 / 60 दैट इज 2.3। सिंपली हाउ डू यू गेट द आंसर, यू ऐड दिस, यू टेक दिस 90 है ना एंड यू ऐड दिस 2.3 टू इट एंड दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर। नाउ ये जानना और ये करना में फर्क होता है, ये पहले तो जानना है और उसको अप्लाई करना है जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझ जाओगे कि एवरेज में कुछ भी मीन लेकर उससे थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा करके हम लोग कैलकुलेशन पास कर सकते हैं, तो आपका हमेशा समेशन एज वेल एज एवरेज का कैलकुलेशन बेटर होगा। समेशन कैसे बेटर होगा गाइस, समेशन बहुत सिंपल है। इसी का मान लो ना क्वेश्चन होता, इतने सारे को ऐड करना है, सपोज द क्वेश्चन वुड हैव बीन अ सिंपल समेशन, है ना? तो कैसे सेम लॉजिक लगा सकते थे, देखो समेशन के लिए क्या करते ना, पहले मैंने एवरेज कितना लिया था 90 और कितनी वैल्यूज थी 60, 19 × 60 एंड +138 कर देते, डायरेक्टली सम आ जाता, कुछ करना ही नहीं है। ये जो डेविएशन आया ना, सम इज इक्वल टू द अज्यूम्ड मीन इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस द टोटल डेविएशन। ऑलराइट, कितने लोगों को एकदम क्लियरली ये समझ में आ गया, प्लीज रिप्लाई ऑन चैट। शुभम का एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, टोटल बाय 60 सेम आएगा, बिल्कुल यस शुभम, हाँ वही फंडामेंटल तरीका तो वही है।
अपूर्वा 138 के बाद क्या हुआ, 138 इज द नेट डेविएशन, बट हाउ मेनी वैल्यूज वर देयर, टोटल नंबर ऑफ सम कितने वैल्यूज का कर रहे हो, 60 ना, तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज डेविएशन 2.3 इज द एवरेज डेविएशन, इज दिस क्लियर अपूर्वा। व्हाट वी डिड इज टू द अज्यूम्ड मीन वी एडेड द एवरेज डेविएशन, दैट इज हाउ वी डू दिस कैलकुलेशन। यही होता है एवरेज को फास्ट सॉल्व करने का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एंड ये जितने बड़े डेटा सेट के साथ आप उसको करेंगे उतना फायदा होगा। जागृत, समेशन वंस अगेन, ये डेविएशन का समेशन ना, तो डेविएशन निकालने के बाद मैंने बस उसको ऐड किया, 4 + 14 18 + 13 41 - 3 38, 18 सॉरी सॉरी 31 - 3 28, 28 + 9 37, 32, ऐसे करके बस ऐड कर दिया, आई हैव एडेड दीज वैल्यूज। ओके 5538 वाला, ओके सॉरी सॉरी यस 5538 वाला इज आई हैव मल्टीप्लाइड, सी व्हाट वाज द अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन वाज 90 यू, एंड हाउ मेनी वैल्यूज वर देयर, 60, सो दैट बिकम्स हाउ मच, दिस मच 5400 राइट, एंड व्हाट वाज द टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन वाज 138, सो आई एडेड द टोटल डेविएशन टू इट, तो 5400 प्लस 138 कितना हो जाएगा शशि, 5400 प्लस 138 विल बी हाउ मच, 5538। ऑल राइट, सो आई होप ये इतना बड़ा डेटा सेट मैंने इसीलिए लिया ताकि तुम समझो कि कितना भी बड़ा डेटा हो है ना, उसको हम लोग इस तरीके से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सम्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो देर आर सम क्वेश्चन, नाउ डेविएशन इतना फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ये मैं चाहूंगा कि तुम्हारे माइंड में इसको रिफ्रेश करते रहें, बिकॉज नेचुरली कई बार नहीं आता है, ठीक है। तो लेट अस टेक सम क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस शुभम, इट विल गिव द सेम आंसर, सेम आंसर एग्जैक्ट। इज द व्हाइट बोर्ड विजिबल राइट नाउ? ओके, तो अभी आगे क्लास का एजेंडा मैं बता रहा हूं क्या होगा, वी विल स्टार्ट विथ मैं कुछ डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ, ठीक है, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद 6 क्वेश्चंस का एक शीट भेजेंगे जो कि कैट लेवल का होगा और उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा, फिर उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिन बच्चों को सोल्यूशन में डाउट होगा मैं सारा डाउट्स क्लियर करूंगा, एंड लास्ट में जिसको मन होगा हम लोग एक बार ये डेविएशन वाला जो एक्सरसाइज है एक बार साथ में फिर से कर सकते हैं, है ना। तो वी विल कीप इट इन दैट वे, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर मैं फंडामेंटल अपना तरीका सिखाऊंगा। तो ये अभी शुरू का पार्ट में ना यू नीड टू फोकस ऑन
लर्निंग हाउ इजिली यू कैन अप्लाई दिस अप्रोच, है ना। इट इज अबाउट अप्रोच एप्लीकेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसमें दिमाग लगाया जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तो जस्ट लुक एट दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। एंड पहले अटेम्प्ट करो, पहले ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन ध्यान देना। अभी शुरू का 15-20 मिनट्स फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से, डेविएशन के कॉन्सेप्ट। बट पहले 2 मिनट इस क्वेश्चन को सबको ट्राई करिए और आंसर लाइए। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत ही ट्रिकी चीज नहीं है, लेकिन चलो अब नॉलेज ट्रांसफर वाला गेम खेलते हैं। मैं इसको जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बताओ कितने लोगों को मेरा तरीका समझ में भी आया और मजा भी आया। ठीक है, सॉल्विंग तो बहुत सिंपल है ना, मतलब एवरेज तो निकाल ही लोगे। 16 लोग का दिया हुआ है और 8 लोग का दिया हुआ है, सॉल्व तो कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंट वेज है सॉल्व करने का। मेरा फोकस आज की क्लास में डेविएशन पर फोकस करना है। ठीक है, तो मैं डेविएशन से ही बात कर रहा हूं। सब लोग जरा ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, ना ध्यान दो। आई एम टेकिंग दिस एज द अज्यूम्ड मीन। एवरीवन पे अटेंशन हियर। अब सॉल्विंग छोड़ो, इसमें कुछ है नहीं। आई एम टेकिंग दिस एज द अज्यूम्ड एवरेज। ठीक है, ध्यान देना। नेट डेविएशन बिकम्स 10.16, एवरेज डेविएशन बिकम्स 3.38। सॉरी, 1 सेकेंड, 3.36, 3.3839 ले लो, 3.39। ठीक है, सो द फाइनल आंसर बिकम्स एड दीज टू, 45.15 में एड 3.39 एंड द आंसर बिकम्स 48.54। सो दैट इज ऑप्शन, क्लोजेस्ट इज ऑप्शन बी। कितने लोगों पर एक बार में समझ में आया ये किए क्या? वेरी गुड आकाश, देख रहे हो कैसे छोटे से छोटा बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। जी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, एक बार और बताएंगे। इसको क्लियर आ गया, हो गया, वेरी गुड। हाँ, एक बार और बताएंगे। देखो ये जो बड़ा डेटा पे मैंने वर्क कराया था ना, उसी का लॉजिक एकदम छोटे वाले डेटा पे लगा दिया। कैसे? एक बार और बताएंगे, ध्यान से देखो सब कोई। हाँ, पे अटेंशन ना। तो सबसे पहला पार्ट, मैंने एवरेज क्या ले रहा हूं यहां पर, मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, दो चीजें समझो। मैं अज्यूम कर रहा हूं ना कि लेट द एवरेज बी 45,
0.15, ठीक। जैसे लास्ट वाले में 90 लिया था, है ना। अब इनको देखो, 16 है ये, और ये वाला कितना है, 8 है ना। 16:8 रेशियो कितना होगा, जिसको जिसको भी डाउट हुआ एक बार जल्दी से बताओ चैट पे, साथ में करते हैं। 16:8 व्हाट इज द रेशियो, 2:1 है ना। तो पहला पार्ट क्लियर। अब सेकंड पार्ट इज, मैं अज्यूम्ड मीन मान रहा हूं 45.15, ठीक है। तो जिसको जिसको डाउट हुआ है बताओ, 45.15 अगर हम लोग अज्यूम्ड मीन मान रहे हैं तो उसका 50.23 से कितना डिफरेंस है, व्हाट इज द डेविएशन। 50.23 से व्हाट इज द डेविएशन 45.15 का, ये भी आ गया, ठीक है चलिए। तो अब इसको ऐसे सोचो, दो 45.15 इज द अज्यूम्ड मीन, है ना। ओके ठीक है भाई, दिस इज द अज्यूम्ड मीन, राइट। अब रेशियो में आप एवरेज को सॉल्व कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द स्मॉल थिंग दैट आई वांटेड यू टू लर्न हियर। 2:1 है ना, तो इसमें से दो लोगों का डेविएशन कितना है, 5.08, और एक बंदे का डेविएशन कितना है, 45.15 का 45.15 से डेविएशन कितना होगा, जीरो ना। तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, इस एक बंदे की डेविएशन इज जीरो, है ना। एंड हाउ मेनी पीपल आर वी टॉकिंग अबाउट, 2+1, सॉल्व हो गया। अब समझ में आया, नंबर ऑफ पीपल को एक्चुअल वैल्यू की जगह रेशियो ले सकते हैं इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन एवरेज। पूरा सम निकाल के डिवाइड करने की जगह एक डेविएशन, एक को मीन मान के, है ना, बाकी पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्टर बना सकते हैं, दैट इज द की। एंड कैट के क्वेश्चंस बड़े मजे से बनते हैं उसके बाद, है ना। आई आई विल कम टू दैट। आज एंड ऑफ द क्लास तक काफी मजेदार क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। चलिए तो ये पहला टाइप था। नेक्स्ट, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन। छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे तरीके बेटर सॉल्व करने के हम लोग देखते हैं शुरू में। अगेन, अभी स्टार्ट में आंसर लाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो तुम सॉल्व करोगे एक मिनट, बट पर्पस इज कि मैं कैसे बता रहा हूं, छोटी छोटी चीजें यहां पर उस ध्यान देना है ना। चलो एकदम सिंपल आता है, बट कैट में इस टाइप का भी क्वेश्चन, बट जल्दी कैसे बनाएंगे इसको, बनाओ तो ट्राई करो। हाँ रजनीश, एक और एग्जाम्पल है, इसको ट्राई करो। गुड आकाश, गुड शोभित। लेकिन हम और जल्दी बना सकते हैं, और जल्दी। अभी देखो जो बताएंगे ना, आज का खेल ही यही है, ट्रिक बताएंगे। और वो ट्रिक मतलब वो कोई फैंसी शॉर्टकट नहीं, सेम सवाल को जल्दी कैसे बनाना है। गुड, बहुत लोग ले आए आंसर। गुड नीतीश, अभिनव, तुषार, काफी लोग ले आए हैं आंसर। लेट अस सी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, जब तुम स्पीड गेन करना चाहते हो ना, तुम देखते क्वेश्चन सॉल्व करते, कैसे होगा वो बताते हैं एक बार। आप सब लोग ध्यान दो, कौशल गुड, वेरी गुड, सब लोग ध्यान दो एक बार, है ना। मेरा दिमाग तो टिका हुआ है मीन के फंडा पर, अज्यूम मीन के। ओवरऑल एवरेज कितना है देखिए जरा, ओवरऑल एवरेज बाय 120 कैंडिडेट वॉज 35। जिसका जिसका तुरंत आंसर नहीं आया ना, मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है। जिसका आ गया बस सुनो ध्यान से, ओवरऑल एवरेज इज
35। चलिए जो पास किए उनका कितना है, जो पास किए उनका एवरेज 39। ओके जो फेल किए उनका कितना है, उनका एवरेज 15। ऑल राइट ओके। पास करने वालों को ओवरऑल एवरेज से कितना ज्यादा आया है, पॉजिटिव डेविएशन कितना है, जल्दी से बताओ। पॉजिटिव डेविएशन इज 4। ठीक है, फेल करने वालों का ओवरऑल एवरेज से नेगेटिव डेविएशन कितना है, देखो जरा 20। यहां तक एवरीबॉडी क्लियर? यस ओके। तो इफ यू सी नंबर ऑफ पास को अगर मैं पी से डिनोट करूं है ना, और नंबर ऑफ फेल को अगर एफ से डिनोट करूं, ठीक है, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, 4p-20f एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इससे तुमको निकल जाएगा p इज इक्वल टू 5f, यानी कि करेक्ट ज्ञान p बाई एफ इज इक्वल टू 5:1। तो तुम क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट डेविएशन देख के रेशियो बता सकते हो। किसी को डाउट होगा मैं बता, डोंट वरी, समझ रहे हो। इसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं मैं, समझो तरीके तरीके को समझो। p is to f is 5:1, तो मैं यहां ना देखते ही बता देता, इसका डेविएशन 4 है, इसका 20 है ना, तो ये रेशियो क्या है, 1:5। ठीक है, तो मैं उल्टा कर देता उसको, मतलब फेल करने वाले लोग जो है ना वो 5 टाइम्स है ना, सॉरी फेल का 5 है ना, तो फेल करने वाले लोग जो है वो 1 टाइम्स है और पास करने वाले लोग 5 टाइम्स है, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू, हाँ गुड आकाश, वेरी गुड, ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू कैन डेविएट फ्रॉम द ओवरऑल एवरेज है ना, बट फाइनली नेट डेविएशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये एक बार नोट कर लो सबको, है ना। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ना कि फॉर इक्वेशन लिखना भी ना पड़े एग्जाम में, नेट डेविएशन है ना इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नेट डेविएशन कितना होता है, 0। कितने लोगों को समझ में आया ये, कितने लोगों को आया वो बताओ पहले। ओके शोभित, ऑल राइट, मैं बता रहा हूं सुमित, अभी बता रहा हूं, जिसको भी डाउट हो रहा है मैं एक बार फिर बताऊंगा। ओके तो अभी वही इसीलिए तो सिखा रहे हैं कि करे, अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, फिर तुम जब तुम बनाओगे तो तुम इसको यूज करने की कोशिश करोगे रजनीश, है ना, पहले तो सीखना पड़ेगा ना, उसके बाद इसको प्रैक्टिस में लाना होगा। ठीक है, तो दिमाग में ना थॉट ही यही होना चाहिए कि डेविएशन देखेंगे, सम लगा निकालेंगे ही नहीं, तब ये मेथड वर्क करता है। वही फोकस सिखाना चाह रहा हूं मैं आज की क्लास में, है ना। अदरवाइज एवरेज का फंडा बहुत सिंपल है, जल्दी बनाने की बात है। चलो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं ना, जिसको डाउट है एक बार ध्यान से देखो, पे अटेंशन, बहुत सिंपल चीजें हैं बट इसी से स्पीड बढ़ेगा, ध्यान दो। मैंने इस क्वेश्चन को जब पहली बार पढ़ा, पढ़ते ही देखा मैंने ओवर एवरेज 35 है ना, पास वालों का 39 है। अच्छा तो पास वालों का कितना ज्यादा है भाई, 4 ज्यादा है, तो नेट पॉजिटिव डेविएशन कितना हो गया, 4 टाइम्स पास वाला। एंड फेल वालों का कितना है भाई, फेल वालों का है ना, विच मींस 20 कम है ना, तो 20 कम है, यानी नेट नेगेटिव डेविएशन कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल कितना है फेलियर का, 20 × f है ना। अब नेट डेविएशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, मतलब एवरेज 35 ही लाना है ना, तो कुछ वैल्यूज उससे ज्यादा होंगी तो कुछ कम होंगी, ऐसे सोचो बहुत प्रैक्टिकली। और चलो और मजेदार, ये तो जब पता है, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, ये मैं समझाने के लिए ये भी समझा रहा हूं, मैं इसको और इजी बनाता हूं, मुझे कैसे समझ में आता है, चलो मैं तुम्हें वो बताता हूं मुझे क्या समझ में आता है। देखो मुझे ये समझ में आता है कि फेल, एक बच्चा जो फेल किया, ध्यान से सुनना, उसको कितना कम आया, 20 ओवरऑल एवरेज से। एक बच्चा जो पास किया उसको कितना ज्यादा आया एवरेज से, 4। ठीक,
ध्यान से सुना, एक बच्चा जो फेल किया उसको 20 कम आ रहा है, एक बच्चा जो पास किया एवरेज उसका 4 ज्यादा आ रहा है। तो फाइनली एवरेज पे लाने के लिए है ना, एक फेल वाले बच्चे पर कितने पास वाले बच्चे चाहिए ताकि एवरेज पर आ जाए। एक इसको एवरेज पर लाने के लिए डेविएशन को 0 करना पड़ेगा ना, तो एक फेल बच्चे पर कितने पास बच्चे चाहिए, 5। तो सिंपली मतलब है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, तो 120 इंटू, अब 5:1 का रेशियो पता चल रहा है, पास इज टू फेल, तो आप ऐसे कर दोगे 120 इंटू 5/6, पास इज टू फेल 5/6, एंड यू विल गेट द आंसर 100। कितने लोग को ये समझ में आया कि भाई ओवरऑल एवरेज से एक फेल वाला बच्चा 20 कम कर दे रहा है, तो उसको एवरेज पे वापस लाने के लिए है ना कितने पास वाले बच्चे चाहिए। तो +4 × 5 20 लाना है ना, तभी ना वो एवरेज पर आएगा। एक फेल वाला बच्चा एवरेज से 20 नीचे ले जा रहा है ना, तो एवरेज पे वापस लाने के लिए कितना वापस लाना पड़ेगा, 20 है ना। तो 20 लाने के लिए कितने पास वाले बच्चे चाहिए, 5। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। आई होप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। डिवाइडेड बाई 6 शुभम, वो 5:1 रेशियो हो गया। मैं यहाँ चैट पर लिखता हूँ, देखो पास इज टू फेल व्हाट विल बी द रेशियो, 5:6, 5:1, तो उसमें पास वाले का शेयर कितना हो जाएगा, रेशियो में ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना। शुभम ये समझ में आया 5/6 क्यों हुआ। चलिए वेरी गुड।